जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य में कई जगहों पर जल जमाव हो गया तो वहीं त्राल में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में एक स्थानीय निवासी और कुछ मवेशियों की बह जाने की खबर है। लोगों का कहना है कि इस हादसे के बाद उन्हें प्रशासन से मदद की उम्मीद थी, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा मदद ना मिलने की वजह से वो काफी नाराज हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि वहां के लोगों की मदद के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। 1:30 बजे आज हो गया कलर बरस सर वहां ऊपर से, तो ये नाला जो ऊपर से आता है ये कहीं कट हो गया है, क्योंकि इसमें मौजूद बंड नहीं थे तो कट हो गया और गांव में घुस आया ये नाला सर। बहुत 5-10 घरों का पूरा नुकसान हुआ है और यहाँ जो आप खड़े हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये इरशाद अहमद मलिक है, एक आदमी किसान है, मजदूर है, इसका 100% डैमेज हो गया है। इसकी गाय वगैरह जो है वो भी नाले में सर बह गई है, बहुत जानवर भी हो गए, जानवरों का नुकसान हो गया। बड़ी मुश्किल से हमने इंसानों को बचाया और यहाँ जो भी गवर्नमेंट से कोई आ गया, हमारे SDM सब आ गए, लेकिन वो पुल से ही वापस चले गए। हमने एक पुलिस वाला देखा, हम उसको दाद देना चाहते हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल नाले में आ गए और बड़ी मदद की एक पुलिस वाले एक बार सर ने, और इनका कुछ नहीं रह गया सर, मेहरबानी करके हमारी बात, सब लोग मजदूरी करते हैं, ये 5-6 एक ही कुंडे के हैं, खत्म हो गए।